So good morning students, today we will discuss the new topic, that is rheumatic heart disease. So first one is introduction. What is rheumatic heart disease? Rheumatic heart disease is a condition in which the heart walls have been permanently damaged by rheumatic fevers. The heart wall damage may start shortly after untreated or undertreated streptococcal infections such as strep throat or scarlet fever. An immune response causes an inflammatory conditions in the body which can result in ongoing wall damage. तो ओवरऑल क्या है जो रिमेटिक हार्ट डिसीज है, इट इज़ अ कंडीशन इन विच हार्ट वॉल्स हैड बीन डैमेज. इसमें क्या होते हैं, जो हार्ट के जो वॉल्स हैं, जो आपको मैंने वॉल्स बताए हैं, जैसे कि मिट्रल वॉल्व है, पल्मोनरी वॉल्स है, ट्राइकस्पिड है, बाइकस्पिड वॉल्स हैं, तो वॉल्स इसमें क्या होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं. द हार्ट वॉल्व डैमेज में स्टार्ट स्लोली शॉर्टली आफ्टर द अनट्रीटेड और अंडर ट्रीटेड स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन सच एज स्ट्रेप थ्रोट. सपोज़ हमको सिंपल सा एक इन्फेक्शन होता है स्ट्रेप थ्रोट, जिसमें कि जैसे गले में खिचखिच आ जाती है, हराश जो वॉइस होती है बहुत ही हराश और इरिटेटिंग होती है. तो अगर उस इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं किया जाता है तो बाद में वो इन्फेक्शन आगे चल के क्या करता है, हमारे जो हार्ट को इन्फेक्ट करता है और वॉल्स को डैमेज कर सकता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट कम टू द डेफिनेशन. फर्स्ट डेफिनेशन इज रूमेटिक हार्ट डिसीज इज अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ रूमेटिक फीवर. इट रिफर्स टू द क्रॉनिक हार्ट वॉल्व डैमेज दैट कैन डेवलप ईयर्स आफ्टर अ बॉट ऑफ रूमेटिक फीवर, ऑफन लीडिंग टू हार्ट फेलियर इफ लेफ्ट अनट्रीटेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या चीज़ है कि सबसे पहले पेशेंट को रूमेटिक फीवर होता है. रूमेटिक फीवर दैट मीन्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एनी टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लाइक फॉर एग्जाम्पल दैट इज स्कारलेट फीवर. स्कारलेट फीवर मीन्स जैसे कि अभी मैंने बताया कि सॉर थ्रॉट हो जाता है, गले में हमको खराश हो जाती है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया. तो उसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है. अगर उस इन्फेक्शन को हम ट्रीट नहीं करते हैं तो काफ़ी लंबे समय के बाद क्या होता है, रूमेटिक हार्ट डिसीज डेवलप होता है. दैट मीन्स हमारी जो हार्ट की वॉल्स हैं वो डैमेज होने लगती है. एंड फर्दर इफ़ इट इज़ अनट्रीटेड, अगर हम इसको कंटिन्यूली ऐसे ही रहने देते हैं, हम ट्रीट नहीं करते हैं, दैट इट लीड्स टू द हार्ट फेलियर. अनदर डेफिनेशन दैट इज रूमेटिक फीवर, इट इज़ एन इन्फ्लामेटरी ऑटो इम्यून डिसीज दैट कैन डेवलप एन ए रिजल्ट ऑफ इनएडिक्वेटली treated strep throat or scarlet fever. Same thing जो अभी मैंने ऊपर बताया. When this happens, the immune system respond abnormally with the chronic inflammation and gradual deposit of the calcium crystal in and around the walls of the heart. तो सबसे first thing क्या है, यहाँ पर patient को सबसे पहले sore throat हो रहा है, ठीक है, गले से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, नेक से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है, उसको पर्सन ने ट्रीट नहीं करवाया या ट्रीट नहीं किया, आगे चल के वो धीरे धीरे एक समय के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 1 ईयर के लिए, तो उसके बाद क्या होता है, हार्ट के जो वॉल्स हैं वो डैमेज होने लगते हैं. और हार्ट के वॉल डैमेज होने के साथ साथ ही जो कैल्शियम के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हमारे वॉल्स में डिपॉजिट होने लगते हैं, कलेक्ट होने लगते हैं. और जैसे जैसे उनका कलेक्शन का जो अमाउंट है बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, वो क्या करते हैं, हमारे हार्ट के वॉल को डैमेज करते हैं. नेक्स्ट वन इज टाइप्स. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रूमेटिक हार्ट डिसीज. फर्स्ट वन इज स्टेनोसिस एंड अनदर वन इज रीगर्गिटेशन. दो टाइप्स के मेन रूमेटिक हार्ट डिसीज जो है वो मेन दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है रीगर्गिटेशन, सेकेंड वन इज स्टेनोसिस. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रीगर्गिटेशन और स्टेनोसिस दोनों चीज़ें क्या हैं. सो फर्स्ट अगर थिंग हम देखते हैं दैट इज स्टेनोसिस. स्टेनोसिस में जैसे आप एक देख सकते हैं सबसे नीचे वाले डायग्राम में है नॉर्मली ओपन, जो वॉल्स हैं यहाँ पे नॉर्मली ओपन हुए हैं. ऊपर जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेनोसिस में लिखा हुआ है डजंट ओपन प्रॉपरली, मतलब इसमें वॉल्स क्या होते हैं, ओपन नहीं हो पाते प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे, मतलब उनका जो ओपनिंग का जो जो एरिया है वो कम हो गया है, श्रिंक हो गया है. नेक्स्ट अनदर साइड में अगर हम देखते हैं रीगर्गिटेशन में अगर आप देखेंगे तो नीचे का जो डायग्राम है उसमें लिखा है नॉर्मली क्लोज्ड,
वॉल्स क्या होते हैं, जैसे ही वेंट्रिकल्स आर्ट्रियम से वेंट्रिकल्स में ब्लड जाता है तो वॉल्स क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं. लेकिन यहाँ पे वॉल्स क्या हो रहे हैं, अच्छे से क्लोज नहीं हो पा रहे हैं, डजंट क्लोज प्रॉपरली. मतलब वॉल्व, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वॉल्व अच्छे से क्लोज नहीं हुआ है. तो स्टेनोसिस में क्या होता है, हमारे वॉल्स जो रहते हैं वो सकरे हो जाते हैं, यानी कि उसकी जो ओपनिंग है वो प्रॉपर नहीं होती, अच्छे से वॉल्स ओपन नहीं हो पाते. रीगर्गिटेशन में जस्ट अपोजिट थिंग है, यहाँ पे जो वॉल्स रहते हैं वो प्रॉपरली अच्छे तरीके से क्लोज नहीं हो पाते. अब आते हैं हम टाइप्स पे. तो सबसे फर्स्ट जो टाइप्स है दैट इज मिट्रल वॉल्व डिसीज. मिट्रल वॉल्व डिसीज इसमें दो टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस एंड अनदर वन इज मिट्रल वॉल्व रीगर्गिटेशन. तो जैसा कि नाम से मैंने अभी बताया, क्लियर है, एक मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस, दैट मीन्स मिट्रल वॉल्व यहाँ पे क्या हो जाती है, स्टेनोसिस, मतलब नैरो हो जाती है, उसकी ओपनिंग जो है वो बहुत ही छोटी स्मॉल हो जाती है. नेक्स्ट अनदर इज मिट्रल वॉल्व रीगर्गिटेशन. रीगर्गिटेशन मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वॉल्व प्रॉपर सफिशियंट अमाउंट में जो क्लोज होना चाहिए, अच्छी तरीके से क्लोज होना चाहिए वॉल्व, वो क्लोज नहीं हो पाता, इसकी वजह से ब्लड का फ्लो वापस बैक आ जाता है. जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल रहते हैं कि अगर राइट आर्ट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल्स में, ठीक है, तो राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड जाने के टाइम पे क्या होता है, जब राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड जाना होता है तो ट्राइकस्पिड जो वॉल्स रहती हैं वो ओपन होती है. जैसे ही राइट आर्ट्रियम से ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है तो ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाती. क्यों क्लोज होती है, ताकि राइट वेंट्रिकल से फिर से वापस राइट आर्ट्रियम में ब्लड का बैक फ्लो ना हो. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्टेनोसिस होने की वजह से पहली चीज़ तो क्या है, प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट में आर्ट्रियम से वेंट्रिकल्स में ब्लड नहीं आ पाएगी. सेम अदर थिंग क्या है, रीगर्गिटेशन. रीगर्गिटेशन में क्या होता है कि वॉल प्रॉपर क्लोज नहीं हो पा रहा है. दैट मीन्स अगर हम इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें कि अगर राइट आर्ट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया और वॉल्स प्रॉपर क्लोज नहीं हो रहे हैं, तो वापस चांसेस हैं कि जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से वापस बैक फ्लो होके राइट आर्ट्रियम में जा सकता है. नेक्स्ट वन इज एरोटिक वॉल्व डिसीज. एरोटिक वॉल्व में भी सेम दोनों चीज़ें हैं. एरोटिक वॉल्व डिसीज में फर्स्ट है एरोटिक वॉल्व स्टेनोसिस एंड अनदर थिंग इज एरोटिक वॉल्व रीगर्गिटेशन. इसमें भी वही चीज़ें होती है. स्टेनोसिस मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एरोटिक वॉल्व है वो क्या हो जा रही है, सक्री हो जा रही है, नैरो हो जा रही है, इसकी वजह से प्रॉपर ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट वन इज रीगर्गिटेशन. रीगर्गिटेशन में क्या है, बैक फ्लो होने लगता है. सो दैट इज एरोटिक वॉल्व डिसीज. अनदर वन इज ट्राइकस्पिड रीगर्गिटेशन. ट्राइकस्पिड वॉल्व में रीगर्गिटेशन होता है, दैट मीन्स कि राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है लेकिन वॉल्स में प्रॉब्लम होने की वजह से वॉल्स प्रॉपर क्लोज नहीं हो पा रही, इस वजह से वापस जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से राइट आर्ट्रियम में चला जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड रीगर्गिटेशन. लास्ट वन इज आर्ट्रियल फिब्रिलेशन. आर्ट्रियल फिब्रिलेशन द इररेगुलर एंड ऑफन रैपिड हार्ट रेट कॉज बाय डिक्रीज ब्लड फ्लो, इट इज मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विद द मिट्रल स्टेनोसिस. जो भी आप पेशेंट देखेंगे मिट्रल स्टेनोसिस, मिट्रल स्टेनोसिस मतलब जिनकी मिट्रल वॉल्व है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से ओपन नहीं हो पा रही और ब्लड का फ्लो आर्ट्रियम से वेंट्रिकल्स में नहीं हो पा रहा है, उस टाइम कंडीशन पे पेशेंट को मिट्रल स्टेनोसिस के साथ ही साथ चांसेस होते हैं कि पेशेंट को आर्ट्रियल फिब्रिलेशन भी हो सकता है. सो दीज ऑल आर अबाउट द टाइप्स ऑफ रूमेटिक हार्ट डिसीज. नेक्स्ट आई विल कम टू द रिस्क फैक्टर एंड कॉसेस. सो फर्स्ट रिस्क फैक्टर दैट इज पुअर सोशियोनॉमिक स्टेटस. पीपल हु आर पुअर एंड बिलोंग टू लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन आर प्रोन टू गेट रूमेटिक हार्ट डिसीज. Overcrowding. People who are living in a slum or damp area are more prone to get rheumatic heart disease. ये दोनों risk factor में क्यों आते हैं, क्योंकि दोनों ही condition में person को chances हैं कि उसको fever हो सकता है किसी भी तरह का, rheumatic fever हो सकता है, साथ ही साथ किसी भी तरह का infection हो सकता है related to respiratory tract. Next one is age. It appear most commonly in children between the age of 5 to 15 years. Next one is previous history of rheumatic fever. Already patient having previous history of rheumatic fever or any type of rheumatic disease. Next one is climate and season.
सॉरी क्लाइमेट एंड सीजन. इट अकर्स मोर इन द रेनी सीजन एंड इन द कोल्ड क्लाइमेट. एंड लास्ट वन इज द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन. पेशेंट को किसी भी तरह का अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है लाइक फेरिंजाइटिस, लेरिंजाइटिस, सिनुसाइटिस, रिनाइटिस, किसी भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है तो उनको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पेशेंट को रूमेटिक हार्ट डिसीज हो सकता है. सो दे आर द रिस्क फैक्टर. द एटियोलॉजी में द मेन कॉजेटिव फैक्टर्स ऑफ रूमेटिक हार्ट डिसीज और रूमेटिक फीवर इज द ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम. रूमेटिक डिसीज जो है, रूमेटिक हार्ट डिसीज सबसे मेन चीज होता है उसमें पेशेंट को रूमेटिक फीवर होता है. तो रूमेटिक फीवर में जो इन्फेक्शंस होते हैं बॉडी में, तो इन्फेक्शन का सबसे मेन कॉजेटिव एजेंट होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम. नेक्स्ट आई विल कम टू द पैथोफिजियोलॉजी. फर्स्ट रूमेटिक फीवर प्लस रिकरेंट इन्फेक्शन. चांसेस है कि पेशेंट को ऑलरेडी रूमेटिक फीवर है या फिर पेशेंट को रिकरेंट मतलब जस्ट फिलहाल में ही कोई उसको रिसेंट में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ है रिलेटेड टू अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन प्रेजेंट इन द बॉडी. दैट लीड्स टू द क्रॉस इम्यून रिस्पॉन्स बिटवीन द होस्ट एंड द स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजेंस एंड दैट फर्दर लीड्स टू द एबनॉर्मल रिएक्शन दैट इज ऑटो इम्यूनिटी डिसीज. ऑटो इम्यून मीन्स क्या होता है, जब हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं खुद के सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करने लगते हैं. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रूमेटिक फीवर हो रहा है साथ ही साथ पेशेंट को करंट में इन्फेक्शन भी है. दोनों चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, होस्ट यानी कि मैन ह्यूमन बींग उसके और स्ट्रेप्टोकोकल्स जो बैक्टीरिया है दोनों के बीच क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है. That cause rheumatic pericarditis and endocarditis involved. इसकी वजह से क्या होता है, हार्ट की जो पेरिकार्डियम लेयर है और एंडोकार्डियम लेयर है उसमें क्या होने लगता है, इन्फ्लामेशन होने लगता है. दैट इज कॉल्ड rheumatic pericarditis and endocarditis in the walls. नेक्स्ट वन इज इरोशन ऑफ द वॉल्स लीफलेट. वॉल्स के जो लीफलेट्स होते हैं, लीफलेट्स मीन्स यहाँ पे क्या है, एक कोई भी अगर एक हम वॉल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें थ्री कप्स बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड लीफलेट. वो एक तरह से क्या होते हैं, वॉल्स को क्लोज और ओपन करने का काम करते हैं. तो यहाँ पे क्या होने लगता है, इरोशन ऑफ वॉल लीफलेट मतलब जो वॉल्स के जो लीफलेट्स हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं. दैट फर्दर कॉज फाइब्रस थिकनिंग एंड थिकेंड वॉल, जिसकी वजह से वॉल्स क्या होने लगते हैं, थिक होने लगते हैं और बहुत ज़्यादा ठीक हो जाती है उनकी वॉल. दैट फर्दर रिजल्ट इन स्टेनोसिस एंड रीगर्गिटेशन. तो इसकी वजह से क्या होता है, वॉल्स स्टेनोसिस मीन्स नैरो हो जाते हैं और समटाइम रीगर्गिटेशन मतलब प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाते. तो ओवरऑल जो पैथोफिजियोलॉजी है, सबसे फर्स्ट थिंग उसमें यह है कि पेशेंट को ऑलरेडी रूमेटिक फीवर हो सकता है या फिर रिकरेंट रिसेंट में किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है. दैट फर्दर लीड्स टू एबनॉर्मल एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन विच फर्दर कॉज टू द पेरिकार्डाइटिस और एंडोकार्डाइटिस इन द वॉल. वॉल्स में जो लेयर्स होती हैं पेरिकार्डियम और एंडोकार्डियम की, वो क्या होने लगती है, इन्फ्लेम्ड होने लगती है. दैट फर्दर लीड्स टू द इरोजन दैट मीन्स डैमेज ऑफ द वॉल लीफलेट एंड कॉज फाइब्रस थिकनिंग एंड थिकेंड वॉल एंड फर्दर रिजल्ट इन द एनी टाइप ऑफ वॉल स्टेनोसिस और एनी टाइप ऑफ वॉल रीगर्गिटेशन. नेक्स्ट इज क्लिनिकल फीचर्स. द कॉमन क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द रूमेटिक हार्ट डिसीज, फर्स्ट वन इज चेस्ट पेन, एनी टाइप ऑफ चेस्ट डिस्कम्फर्ट ऑल्सो सीन इन द पेशेंट, हार्ट पाल्पिटेशंस ऑल्सो प्रेजेंट, ब्रीथलेसनेस ऑन एक्जर्शन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स वैन स्पेशली लाइंग डाउन दैट इज कॉल्ड ऑर्थोपनिया, वॉकिंग फ्रॉम स्लीप विद द नीड टू सीट टू स्टैंड अप दैट इज पेरोक्सिमल नॉक्चुरल डिसिप्निया. अनदर क्लिनिकल फीचर दैट इज स्वेलिंग, ऑडिमा, फैंटिंग दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंकोप, स्ट्रोक, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन एंड ऑल्सो समटाइम एसोशिएटेड विद द इन्फेक्शन ऑफ डैमेज हार्ट वॉल. अनदर क्लिनिकल फीचर, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर ऑफ एनी टाइप ऑफ रूमेटिक हार्ट डिसीज, फर्स्ट वन इज कोरिया. कोरिया दैट इज इरेगुलर, जर्की, इनवॉलेंट्री, अनप्रिडिक्टेबल मस्कुलर मूवमेंट स्पेशली अफेक्टिंग द हेड, फेस एंड द लिम. फर्स्ट वन इज
इरेगुलर, मतलब पेशेंट के अगर हम हेड, फेस और लिम्स के जो मसल्स के मूवमेंट देखेंगे तो फर्स्ट थिंग क्या है, इरेगुलर होगा. सेकंड वन इज़ जर्की. जर्की जैसे आपने पेशेंट देखा होगा एपिलेप्टिक पेशेंट को, जो मिर्गी के पेशेंट होते हैं. इनवॉलेंट्री मतलब उस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा. अनप्रिडिक्टेबल मस्कुलर मूवमेंट मतलब जैसे कि हम किसी भी वर्क को करते हैं तो हमें मस्कुलर मूवमेंट करना होता है. सपोज अगर मुझे किसी भी एक चीज़ को होल्ड करना है, किसी भी एक पेन को होल्ड करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने मसल को यूज करना पड़ेगा. तो मुझे पता है कि मुझे अपने मसल्स से कैसा मूवमेंट लेना है, क्या क्या परफॉर्म करना है, मुझे फ्लेक्शन परफॉर्म करना है या एक्सटेंशन परफॉर्म करना है, रोटेशन परफॉर्म करना है, एबडक्शन परफॉर्म करना है. लेकिन यहां पे क्या होता है, पेशेंट ने पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया होता है और उसके मसल्स जो होते हैं, हैंड के मसल्स, फेस के मसल्स और लिम्ब्स के मसल, वो इनवॉलेंट्री मतलब बिना उसकी इच्छा के यहां पे उसके मसल्स में क्या होने लगता है, मूवमेंट होने लगता है. दैट इज़ कॉल्ड कोरिया. नेक्स्ट वन इज इरिदमा मार्जिनेटम. ट्रांजिएंट मैस लाइक मैक्युलर रेस ऑन द ट्रंक, सॉरी रश ऑन द ट्रंक एंड द एक्सट्रीमिटीज़. सेकेंड थिंग क्या है, अगर हम पेशेंट के एक्सट्रीमिटीज़ में देखते हैं या ट्रंक में देखते हैं तो हमको एक इरिदमेटिक पैच मिलेगा, जिसके साथ ही साथ हमको मार्जिन मिलेगी विद द कलर ऑफ सम रेडनेस. नेक्स्ट वन इज सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स विच इज़ वेरी हार्ड, पेनलेस नोड्यूल्स. उसमें पेन फील बिल्कुल नहीं होगा पेशेंट को ओवर द एक्सटेंशर सरफेस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़. मेनली आपको एक्सट्रीमिटीज़ में मिलेगा देखने के लिए सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स विच इज़ पाल्पेबल एंड हार्ड बट पेनलेस. मतलब उसमें पेशेंट को पेन फील बिल्कुल भी फील नहीं होगा. नेक्स्ट वन इज़ फीवर. फीवर इज़ मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस पेशेंट को फीवर होगा. प्रोलॉन्ग पल्स रेट, पेशेंट की हार्ट बीट काफ़ी आपको बढ़ी हुई रेज मिलेगी. प्लूरल एंड पेरिकार्डियल रब. प्लूरल एंड पेरिकार्डियल रम्स मीन्स पेशेंट का जो हार्ट सॉरी जो लंग्स के साउंड है वो हमको एबनॉर्मल और क्लियरली हियर्ड नहीं होंगे, अच्छी तरीके से सुनाई नहीं देंगे. एबनॉर्मल हार्ट साउंड सॉरी एबनॉर्मल लंग साउंड प्रेजेंट होगा. अनदर इज सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस में प्रिसीड रूमेटिक सिम्टम्स. समटाइम जैसे कि अभी मैंने बताया किसी भी तरह का एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या किसी भी तरह का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड अगर पेशेंट को इन्फेक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल लाइक फेरेंजाइटिस, तो पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स हमको मिल सकते हैं, लाइक सडन ऑनसेट ऑफ सॉर थ्रॉट, थ्रॉट रेडन विथ एक्सुडेट, पस कलेक्शन होगा. नेक्स्ट वन इज स्वेलोन एंड टेंडर लिफ. कभी भी हमारा गला बैठता है या गले में खराश होती है तो हमारे जो लिम्फ नोड होते हैं स्वेल्ड हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं. हेडेक एंड फीवर मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस. एब्डोमिनल पेन हो सकता है. नेक्स्ट वन इज सम केसेस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल थ्रॉट इन्फेक्शन आर रिलेटिवली सिम्टोमेटिक. मैक्सिमम जो पेशेंट जो केसेस होते हैं स्ट्रेप्टोकोकल थ्रॉट इन्फेक्शन के, मैक्सिमम क्या होते हैं, ए सिम्टोमेटिक. यानी कि हमको पेशेंट में इन्फेक्शन होने के बाद भी मैक्सिमम जो क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे. लास्ट वन इज वॉर्म एंड स्वेलोन ज्वाइंट, दैट इज कॉल्ड पॉलीआर्थराइटिस. सो हियर द डायग्राम ऑफ द क्लिनिकल फीचर. फर्स्ट डायग्राम इज द पेशेंट विद कोरिया. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके जो हैंड्स हैं, जो लिम्ब्स हैं, वो कैसे हो गया, एबनॉर्मली वो क्या हो गया, स्पाज्म हो गया, अकड़न हो गई है. सेकेंड वन इज इरिदमा मार्जिनेटम. सेकेंड वाले में आप देख सकते हैं कि ये पैचेस बने हुए हैं और रेड कलर की मार्जिन्स है, दैट इज इरिदमा मार्जिनेटम. एंड थर्ड वन इज सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स. नेक्स्ट वन इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. हाउ वी विल डायग्नोज द पेशेंट दैट इफ शी और ही इज हैविंग द रूमेटिक हार्ट डिसीज. सो फर्स्टली वी विल परफॉर्म द फर्स्टली वी विल टेक द हिस्ट्री. सबसे पहले हमको पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है. पेशेंट की हिस्ट्री में हमको क्या क्या चीज़ें देखनी है, सबसे फर्स्ट थिंग हम उससे ये पूछेंगे, क्या आपको किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड क्या आपको फीवर है. सेकेंड थिंग, क्या आपको प्रीवियस हिस्ट्री है एनी टाइप ऑफ हार्ट डिसीज और एनी टाइप ऑफ रूमेटिक डिसीज. थर्ड चीज़ हम क्या पूछेंगे पेशेंट से, क्या आपको वॉल से रिलेटेड किसी भी तरह का, हार्ट के वॉल से रिलेटेड किसी भी तरह का इन्फेक्शन या डिसीज हुआ है.
नेक्स्ट वी विल परफॉर्म द फिजिकल एग्जामिनेशन. फिजिकल एग्जामिनेशन वाइल अ हार्ट मर्मर में सजेस्ट आरएसडी, मेनी पेशेंट विथ आरएसडी डू नॉट हैव अ मर्मर. मैक्सिमम जो भी पेशेंट है जिनमें अगर हमको फिजिकल एग्जामिनेशन करने पे अगर हार्ट मर्मर प्रेजेंट मिला, हार्ट मर्मर जैसे कि मैंने बताया था हमारे हार्ट में दो साउंड्स होते हैं लव एंड डब, लव एंड डब S1 एंड S2, दे आर नॉर्मल हार्ट साउंड. बट अनदर एबनॉर्मल हार्ट साउंड दैट इज कॉल्ड मर्मर साउंड और गैलोप साउंड, दैट इज S3 एंड S4. तो अगर पेशेंट में हमको अगर S3 और S4 मीन्स गैलोप साउंड अगर हियर्ड हो रहा है, दैट मीन्स पेशेंट रूमेटिक हार्ट डिसीज वाला हो सकता है. लेकिन मैक्सिमम जो पेशेंट होते हैं रूमेटिक हार्ट डिसीज वाले, मैक्सिमम उनको हार्ट मर्मर्स की कंप्लेन नहीं होती. मतलब अगर हम उसको उनको अस्कल्टेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप तो उनमें हमको हार्ट मर्मर यानी कि गैलोप साउंड प्रेजेंट नहीं मिलेगा. नेक्स्ट वन इज मेडिकल हिस्ट्री इंक्लूडिंग एविडेंस ऑफ पास्ट एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर और एनी टाइप ऑफ स्ट्रैप और थ्रॉट इन्फेक्शन. पेशेंट को किसी भी तरह का थ्रॉट में इन्फेक्शन है या किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है या पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर वाला, ये सारी चीज़ें हमको हिस्ट्री में कलेक्ट करनी है. चेस्ट एक्सरे टू चेक द इनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट और फ्लूड, एनी टाइप ऑफ फ्लूड इन प्रेजेंट इन साइड द लंग्स. इको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टू चेक इफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट हैव इनलार्ज और इफ देयर इज एनी एबनॉर्मल हार्ट रिदम, दैट इज कॉल्ड एरिथमिया. इकोकार्डियोग्राम आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द इकोकार्डियोग्राम. कार्डियक MRI टेक डिटेल्ड पिक्चर ऑफ द हार्ट, इट मे यूज्ड फॉर द मोर प्रिसाइज लुक ऑफ द हार्ट वॉल्स एंड द हार्ट मसल. लास्ट वन इज ब्लड टेस्ट. सर्टन ब्लड टेस्ट मे हैव यूज्ड टू लुक फॉर द इन्फेक्शन एंड एनी टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन प्रेजेंट इन साइड द बॉडी. नेक्स्ट कम टू द ट्रीटमेंट. क्या क्या ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं? सो फर्स्ट वन इज जनरल ट्रीटमेंट, दैट इज प्रोवाइड द स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट टू द पेशेंट. पेशेंट को सबसे पहले हमको कहना है कि आपको बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट लेने की ज़रूरत है. सबसे पहले हमको पेशेंट को बेड रेस्ट के लिए एडवाइस करना है. नेक्स्ट मेडिकल मेजरमेंट. मेडिकल मेजर्स हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट है कंट्रोल स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन. तो सबसे पहले जो पेशेंट को स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है उसको हमको ट्रीटमेंट करना है. दैट इज सो हियर द चॉइस ऑफ ड्रग इज पेनिसिलिन. पेशेंट को हम क्या दे सकते हैं? पेनिसिलिन. पेनिसिलिन में फॉर एग्जाम्पल बेंजाथिन पेनिसिलिन द डोज इज 1.2 मिलियन यूनिट इंट्रामस्कुलरली वंस अ डे और प्रोकेन पेनिसिलिन 600,000 यूनिट IM daily, that means intramuscularly administered daily for the 10 days. If allergic reaction to penicillin, अगर patient को penicillin से किसी भी तरह का allergy है, hypersensitivity है, तो हम patient को advise करते हैं erythromycin. नेक्स्ट वन इज एंटी रूमेटिक थेरेपी. एंटी रूमेटिक अंडर द एंटी रूमेटिक थेरेपी फर्स्ट वन इज salicylates. Salicylates ऑफ चॉइस इन द पेशेंट विथ लिटिल और नो कार्डिक इन्वॉल्वमेंट. मतलब कि पेशेंट को रूमेटिक फीवर है लेकिन वॉल में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इस समय पेशेंट को इसमें सेलिसाइक्लेट्स देते हैं. फॉर एग्जांपल एस्पिरिन 0.9 ग्राम 4 आवरली इन द एडल्ट एंड गिव द लोअर डोज इन द चिल्ड्रन. सेकेंड चॉइस इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड विच इज़ यूज इन द पेशेंट हु डू नॉट रिस्पॉन्ड वेल टू एडिक्वेट डोजेट ऑफ सेलिसाइक्लेट्स. प्रिडनिसोन, गिव द प्रिडनिसोन 40-60 mg ओरली डेली एंड ओवर द 2 वीक्स. तो ये ट्रीटमेंट्स है. फर्स्ट थिंग क्या है, अगर पेशेंट को स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है तो हमको पेनिसिलिन देना है. पेनिसिलिन में हमने दो एग्जांपल जैसे हमने देखे बेंजाथियोन पेनिसिलिन एंड प्रोकेन पेनिसिलिन. तो बेंजाथिन पेनिसिलिन एंड प्रोकेन पेनिसिलिन. अगर पेशेंट को इससे किसी भी तरह का एलर्जिक रिएक्शन है तो सबसे पहले हमको क्या देना है? वी नीड टू प्रोवाइड द पेशेंट इरिथ्रोमाइसिन. सेकेंड वन इज एंटी रूमेटिक थेरेपी. एंटी रूमेटिक थेरेपी फर्स्ट आई विल गिव सैलिसाइक्लेट एसिड. फर्स्टली आई विल गिव सैलिसाइक्लिक एसिड एंड सेकेंड वन इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड. नेक्स्ट अनदर ट्रीटमेंट. द बेस्ट ट्रीटमेंट इज टू प्रोवाइड रूमेटिक फीवर. एंटीबायोटिक्स कैन यूजली ट्रीट स्ट्रेप्ट इन्फेक्शन एंड कीप रूमेटिक फीवर फ्रॉम डेवलपिंग. एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दैट मे यूज टू रिड्यूस द इन्फ्लामेशन लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोकॉर्टिसोन और एनी अदर टाइप ऑफ लाइक प्रिडनिसोलोन. सेकेंड
पीपल हु हैव हैड रूमेटिक फीवर आर ऑफन गिवन डेली और मंथली एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट पॉसिबली फॉर समटाइम फॉर लाइफ टाइम. थर्ड, वंस अ पर्सन हैज़ अ रूमेटिक फीवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट द फ्यूचर एपिसोड फॉर पर्सन विद एविडेंस ऑफ रूमेटिक हार्ट डिसीज. सो वी एडवाइज द पेशेंट टू कंटिन्यू द एंटीबायोटिक थेरेपी. नेक्स्ट वन इज नर्सिंग डायग्नोसिस. इन नर्सिंग डायग्नोसिस, फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस दैट इज इन इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू मस्कुलो स्केलेटल फैटिक, लो लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस एज मैनिफेस्टेटेड बाई इररेगुलर ब्रीदिंग पैटर्न एंड यूज ऑफ एसेसरी मसल्स एंड अल्टरनेट थर्मोरेगुलेशंस दैट इज़ रिलेटेड टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वेजन एज मैनिफेस्टेटेड बाई हाई टेम्परेचर ऑफ 38 डिग्री सेल्सियस. एंड थर्ड डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू वॉल डिसफंक्शन ऑफ हार्ट फेलियर एज एविडेंस बाई लो ब्लड प्रेशर. फोर्थ वन इज अल्टर्ड कम्फर्ट पेन रिलेटेड टू स्वेलन जॉइंट एज एविडेंस बाई पेशेंट वर्बलाइजेशन एंड इनएबिलिटी टू स्ट्रेच जॉइंट वेल. फिफ्थ वन इज एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू एथार्जिया सेकेंडरी टू जॉइंट पेन, पेन फ्रॉम पेरिकार्डाइटिस एंड हार्ट फेलियर एज मैनिफेस्टेटेड बाई द लोकल सॉरी फेशियल एक्सप्रेशन. सिक्स्थ वन इज इनइफेक्टिव थेरापूटिक रेजिमेन मैनेजमेंट रिलेटेड टू लैक ऑफ नॉलेज कंसर्निंग द नीड फॉर लॉन्ग टर्म प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक थेरेपी एंड पॉसिबल डिसीज सीक्वल एज मैनिफेस्टेटेड बाई द पेशेंट आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन. सो दीज ऑल आर अबाउट द नर्सिंग डायग्नोसिस. नेक्स्ट आई विल कम टू द नर्सिंग इंटरवेंशन. सो फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन इज फॉर द इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न. सो फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन दैट इज ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर एनी टाइप ऑफ साइनोसिस, एनी टाइप ऑफ ब्रीदिंग डिफिकल्टी, हाइपोक्सिया, कन्फ्यूजन दैट इंडिकेट द वर्सनिंग ऑफ द कंडीशन. Place the patient in upright position to obtain the greater lung expansion and improve the aspiration, frequent turning and increase the activity that should be employed. Next, maintain the oxygen saturation and provide the oxygen to at the concentration of maintain the oxygen saturation level at the acceptable level, that is 4 to 6 liter. Avoid the high concentration of the oxygen in the patient of COPD. Next nursing intervention that is for the maintaining adequate cardiac output. First one is assess the sign and symptom of any type of acute rheumatic carditis. Second, be alert for the patient complaint for the any type of chest pain, palpitations, tachycardia. Be alert for the development of second stage or second degree of heart block or any type of other rheumatic carditis. Third intervention is for reducing the fever. So first of all we do a tapid sponging to reduce the fever, and we use antipyretic medications, administer penicillin therapy to eradicate the streptococcal infection, give salicyclic or any type of corticosteroid which is used to prevent the patient from the infection, assess for the effectiveness of drug therapy, take and record the temperature every 3 hours, evaluate the patient comfort level every 3 hours. Another intervention, first one is auscultate the heart sound every 4 hours of the patient, document the presence of any type of murmur, any type of pericardial friction, rough sound, abnormal heart sound, presence of any type of S3 or S4 or gallop sound, document extra heart sound, monitor for the development of chronic rheumatic endocarditis which may also include the valvular disease like mitral valve regurgitation, mitral valve stenosis, aortic valve stenosis, aortic valve regurgitation, tricuspid regurgitation or any type of atrial fibrillation or any type of heart failure. Next intervention is for the pain management. So first provide the patient a total bed rest, patient sleep to the side which is less painful, administer the prescribed analgesic drug, for example paracetamol 1 gram TDS for 24 hours, diversion therapy to divert the patient mind for any type of anxiety and pain, and to also provide to the patient to any type of diversional therapy, relaxation therapy, provide the counseling to the patient.
नेक्स्ट इंटरवेंशन इज़ फॉर मेंटेनिंग द एक्टिविटी. सो फर्स्ट वन इज़ मेंटेन द बेड रेस्ट, अलाउ द पेशेंट टू डू द फिजिकल एक्सरसाइज, प्रोवाइड डाइवर्सनल एक्टिविटी, डिस्कस नीड फॉर ट्यूटोरियल सर्विस विद द पेरेंट्स टू हेल्प द चाइल्ड टू कीप अप द स्कूल वर्क. एंड लास्ट वन इज पेशेंट एजुकेशन एंड हेल्थ मेंटेनेंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन दिस फर्स्टली वी काउंसिल द पेशेंट टू मेंटेन द गुड न्यूट्रिशन, गुड हाइजेनिक प्रैक्टिस, प्रॉपर हैंड वॉशिंग, डिस्पोजेबल ऑफ टिश्यू, लॉन्ड्रिंग ऑफ द हैंडकरचीफ टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, एंड डिस्कस द इम्पॉर्टेंट ऑफ द यूजिंग अ पेशेंट ओन टूथब्रश, सोप, वॉश क्लॉथ विथ हु वैन लिविंग इन द ग्रुप सिचुएशन.